Hello and welcome to session number 6 of personality development. In this we are going to cover how to improve your English pronunciation, why is good pronunciation so important, what impede or enhance the acquisition of a reasonable pronunciation, rhythm and intonation. First of all, we'll start with how to improve your English pronunciation. Then what is the importance of teaching pronunciation? पहले तो मैं आपसे पूछूंगा what is pronunciation? Pronunciation is saying the words clearly. जो भी आप words बोल रहे हैं पहले तो diction is word choice. मतलब आप जो भी word बोलना चाह रहे हैं vocabulary आपकी जो भी आप use कर रहे हैं वो आपका correct choice होना चाहिए कि आपने क्या word बोलना है. Next step is pronunciation. आप कैसे उसे बोलते हैं आपका clear way. Pronunciation is saying it properly. ताकि आपकी बात सामने वाला सही तरीके से समझ सके. इट इज़ द एक्ट ऑफ स्पीकिंग आर्टिकुलेटिंग क्लियरली एंड कंसाइसली. मतलब आप जो भी कह रहे हैं उसे क्लियर और कंसाइज तरीके से बता सके. कभी कभी आपने सुना होगा हम कुछ कंट्रैक्शंस यूज़ करते हैं. दैट मीन्स जैसे अब मैं बताऊँ गोइंग टू तो हम उसको कभी कभी गोना वॉन्ट टू वोना कैंट यू कैंचा ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं विच इज़ वेरी रॉन्ग. हमें उसका सही प्रोनाउंसिएशन करना ज़रूरी है और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा उनकी साउंड से कि हर एक वाल और एक हर एक कॉन्सोनेंट की साउंड कैसे प्रोड्यूस होनी है. अगर हम इफ़ यू हैव 3-4 जंबल वर्ड्स इन 5 मिनट कन्वर्सेशन यू हैव गॉट अ प्रॉब्लम. अगर आप 5 मिनट के अंदर ही 3-4 अलग अलग जंबल वर्ड्स बोल देते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन आप सही नहीं बोलते दैट मीन्स यू आर नॉट सेइंग इट इन अ प्रॉपर मैनर और आपकी प्रोनाउंसिएशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. वो इम्प्रूवमेंट आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप अपना रेट ऑफ स्पीच थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिए. थोड़ा स्लो बोलेंगे तो आपको वो हर वर्ड को हर एक साउंड को ईजी वे में और विद टाइम आप ईजीली उसको कहने की टाइम मिलेगा आपको और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार. जो वर्ड्स आपको लगता है या जो साउंड आपको लगता है कि आप ठीक से नहीं कह पा रहे हैं नहीं उसको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉपरली कह पा रहे हैं तो उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. इम्प्रूवमेंट विल टेक प्लेस बाय अनडूइंग द बैड हैबिट. और अगर आप उस बैड हैबिट को धीरे धीरे अनडू कर लें तो आपकी इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो जाएगी. कुछ प्लोसिव साउंड्स होती हैं जैसे डी टी बी पी. इनमें हमेशा हमें यूनिसिएशन की प्रॉब्लम आती है. यूनिसिएशन मीन्स सेइंग इट क्लियरली एंड प्रोनाउंसिएशन इज सेइंग इट प्रॉपरली. तो ये हमें यूनिसिएशन कुछ प्रोनाउंसिएशन से ही रिलेट करता है. बट इन सब साउंड्स को हमें कहने में मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉब्लम आता है व्हेन यू हैव सेवरल प्लोसिव्स इन वन वर्ड. यूजली बिगेस्ट प्रॉब्लम इज विद द साउंड्स एट द एंड. तो जो साउंड्स एंड में होते हैं हम उसको मोस्ट प्रॉब्ली टाइम नहीं देते और जल्दी से बोल देते हैं. इसके लिए आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया. और आप टीवी देख सकते हैं, वहाँ आप रेडियो ब्रॉडकास्ट में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर्स हैं यहाँ वहाँ पर किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं. और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ नीडेड फॉर अ स्पीकर टू कम्युनिकेट. अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज़ करें क्योंकि तभी सामने वाला आपकी बात सही तरीके से क्लियर तरीके से समझ पाएगा. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस लैंग्वेज टीचर्स टू हैव अ गुड प्रोनाउंसिएशन. और हम जैसे लैंग्वेज टीचर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी उसे ठीक तरीके से ग्रैप कर सकें. अब अगर हम वाल्स की बात करें तो वाल्स कैरी टोन ऑफ वॉइस. एक टोन रहता है उनका हर एक का. ईच वन हैज़ इट्स ओन यूनिक साउंड एंड रिक्वायर्स डिफरेंट शेप ऑफ माउथ. योर माउथ कांट क्रिएट दैट शेप अनलेस यू गिव इट इनफ रूम टू डू सो. अगर आप उसे पूरी जगह नहीं देंगे बनाने के लिए तो वो कभी नहीं कर पाएगा आपका माउथ. लाइक ओ है, अगर आप ओ छोटा सा मुंह नहीं पूरा खोल पाएंगे अगर आप साउंड को पूरा ठीक से नहीं जगह देंगे बोलने के लिए तो आप कभी भी सही वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे. What you can do is you can allow your lower jaw to fall down away from your upper jaw. तो दोनों जॉ को आप थोड़ा डिफरेंस में रखिए ताकि आप ठीक से उस वर्ड को कह सकें. Consonants articulated with tongue and lips. Consonants की बात करें तो टंग और लिप्स के यूज से होते हैं. If tongue allowed to lie softly in mouth, consonants will not be clear. अगर हम माउथ में ही रहने दें उसे टंग को और तो कॉन्सोनेंट्स हमारे हम एक कभी भी क्लियर नहीं हम प्रोनाउंस कर पाएंगे. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई नीड सम मेडिसिन फॉर माई कॉफ एंड अनदर वन आई नीड सम मेडिसिन फॉर माई काउ.
तो विच इज करेक्ट, आपको क्या लगता है कौन सा करेक्ट है? येस, फर्स्ट वन इज करेक्ट, क्योंकि हम इसको कॉफ पढ़ेंगे एंड काओ नहीं पढ़ेंगे. तो प्रोनाउंसिएशन इज द एबिलिटी टू से वर्ड्स प्रॉपरली विथ करेक्ट साउंड इन द करेक्ट प्लेस. ये स्किल कोई एक दिन में हम नहीं सीख पाते. दिस स्किल टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम लगता है टू डेवलप, बट इट इज़ विथ कंसिस्टेंट वर्क एंड प्रैक्टिस. अगर हम कंसिस्टेंट वर्क और प्रैक्टिस करते रहें तो हम ज़रूर सीख पाते हैं. आप जैसे सेकेंड आप सेंटेंस देख सकते हैं, ही इज़ नॉट अ बॉय हु इज़ अफ्रेड ऑफ हार्डशिप एंड डेथ. और सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, ही इज़ नॉट अ बॉय हु इज़ अफ्रेड ऑफ हार्डशिप एंड डेथ. तो क्या फ़र्क है? सिर्फ कॉमा का फ़र्क है, आप देख सकते हैं. बट कॉमा हमें ये सिखाता है कि हमें वहाँ पे हल्का सा पॉज लेना है, और पॉज लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद हम ही इज़ नॉट अ बॉय, मतलब अब हम बॉय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. तो इसीलिए हर एक पंक्चुएशन का भी कुछ मीनिंग होता है जो हमें समझना चाहिए, ताकि हमारी जो टोन है, जो इंटोनेशन है, वो हम मैनेज कर सकें. What is the goal of teaching pronunciation? मतलब हम क्या, हमारा गोल है, हम क्यों आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं, और क्या, what considered as a good pronunciation? क्या है good pronunciation? Good pronunciation means to pronounce correctly all the speech sounds of the language and all the combinations in their proper order, not only isolated words but also in sentences. तो pronunciation, जैसे मैंने कहा कि एक ability है तो कि हम सही तरीके से words को properly कह सकें, वही हम यहाँ पर बात करें कि सारी speech sounds जो भी हैं language की, या फिर उनका combination है, एक word की हम बात नहीं कर रहे, पूरे sentences भी अगर आप उसको ठीक तरीके से स्पीच साउंड्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुड प्रोनाउंसिएशन. टू प्रोनाउंस सेंटेंसेस फ्लुएंटली एट द स्पीड रिक्वायर्ड बाय द सिचुएशन विद करेक्ट स्ट्रेसेस, लिंकिंग ऑफ साउंड्स, रिदम, पॉजेज एंड इंटोनेशन. प्रोनाउंसिएशन में सिर्फ उस वर्ड को कहना ही नहीं, बल्कि अगर आप अपनी बात ठीक तरीके से, सामने वाले को ये चाहता है कि आप वो समझ ले आपकी बात, तो आपको सही तरीके से उनके वहाँ पे स्ट्रेसेस भी यूज़ करने पड़ेंगे, साउंड्स को लिंक भी करना पड़ेगा, उनका रिदम क्या रखना है, इंटोनेशन, पॉज कहाँ पे देना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. वो हम आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि वॉट इज़ इंटोनेशन एंड रिदम, सो दैट आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें. As a matter of fact, most Chinese learners of English do not have enough exposure to English to acquire native-like pronunciation. कोई भी language आप देख लीजिए, Chinese ही नहीं, जब तक कि आप native speakers के साथ अगर आपका exposure नहीं होता कि वो कैसे बोल रहे हैं, तभी मैंने आपको TV और radio के बारे में बताया कि आपको इन सब जगहों से आप knowledge ले सकते हैं कि actually native speakers, मतलब कि उसके actual originators जो हैं, मान लीजिए ब्रिटिश इंग्लिश हो गई या अमेरिकन इंग्लिश, तो उनके ओरिजिनेटर्स जो हैं, नेटिव्स जो हैं, उनसे अगर हम एक्सपोज हो जाएं तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड की साउंड होती कैसे है. सो टू कीज फॉर गुड प्रोनाउंसिएशन इज वी नीड टू बी यू नो हैव एक्सपोजर विद नेटिव स्पीकर इनपुट. तो हमें नेटिव स्पीकर्स के साथ थोड़ा सा एक्सपोजर रखना पड़ेगा, ताकि हम उनके बोलने का तरीका सीख सकें, उनकी जो टोन रहती है, हम वो लर्नर को ज़रूर सीखनी चाहिए, वो हम तभी सीख पाएंगे अगर इफ़ वी हैव एन एक्सपोजर विद द नेटिव स्पीकर्स. नाउ द रियलिस्टिक गोल ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन. अब हमारा मेन मोटिव क्या है अगर हम प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, तो हमें हम उसके पीछे के मेन हमारे गोल्स क्या हैं, मेन मोटिव क्या है. फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही स्मूथ हो और नेचुरल तरीके की हो, ये नहीं, हमें बनावटी नहीं होनी चाहिए. तभी हमने नेटिव स्पीकर की बात करी कि नेटिव स्पीकर बिल्कुल नेचुरल तरीके से बोलते हैं, क्योंकि वही उनकी आम लैंग्वेज है, जो उनकी मदर टंग है, तो वो बहुत ही स्मूथ और नेचुरल तरीके से बोलते हैं, और अगर हम उनको नोट करें और एक्सपोज हों उनके साथ, तो हम इजीली समझ सकते हैं. इंटेलिजिबिलिटी, प्रोनाउंसिएशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द लिसनर्स. ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपका गुड प्रोनाउंसिएशन होने का क्या मेन मोटिव है, कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सामने वाले को अच्छे से समझ आनी चाहिए. आपको उसको वहाँ पे कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ इंटोनेशन, रिदम कहाँ कहाँ रखनी है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि आपने ये सब चीज़ें कहाँ यूज़ करनी है, ताकि सामने वाले को आपकी बात क्लियरली समझ आ सके. नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी. प्रोनाउंसिएशन शुड हेल्प टू कन्वे द मीनिंग दैट इज इंटेंडेड बाय द स्पीकर.
यानी कि ऐसा ना हो कि कुछ और ही मीनिंग परसीव कर ले स्पीकर आपको, जहाँ पे जैसे अभी हमने बॉय वाला एग्जाम्पल लिया था, तो बॉय पे अगर हमने पॉज कर लिया तो दैट मीन्स हम बॉय के बारे में आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आप कहना चाहते हैं, जो स्पीकर कहना चाहता है, वो ही मीनिंग परसीव हो उसके लिसनर द्वारा। नाउ वॉट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन में बात करें तो सिर्फ सेइंग इट क्लियरली से बात नहीं हो सकती, ये पांचों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। फर्स्ट इज साउंड्स, पहले तो हमें सही तरीके से, जैसे मैंने वाल्स के बारे में बताया आपको, कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया कि टंग और लिप्स का यूज़ करके पूरा मुँह खोल कर आपको उसको सही साउंड यूज़ करनी है, वो सब चीज़ें। रिदम, उनके फोनेटिक सिम्बल्स आपको आने चाहिए कि क्या उसका सिम्बल है, स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे देना है, और इंटोनेशन, इन सब की बात करेंगे। पूरी हमारी प्रोनाउंसिएशन किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, इन पांचों चीज़ों पे डिपेंड करती है। इन पांचों चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें और हमें मालूम हो तो हम एक गुड प्रोनाउंसिएशन हम जान सकते हैं। सो फाइव क्वेश्चंस आर देयर, आप रीड कर सकते हैं। वॉट इज़ गुड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, होती क्या है गुड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अब मैंने आपको सब बताया कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अब मतलब आपको से दैट यू हैव द एबिलिटी टू से वर्ड्स प्रॉपरली विद करेक्ट साउंड इन द करेक्ट प्लेसेस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वाई, वॉट इज अ गुड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, दिस इज द आंसर फॉर दैट। सो वाई इज गुड प्रोनाउंसिएशन सो इम्पॉर्टेंट, एक गुड प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, जब अभी इस चीज़ के हमने आंसर्स पढ़े कि क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अपने सामने जो हमारा लिसनर है उसे अपनी बात अच्छे से समझा सकें। और फ्लुएंसी कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस से ही आपको आ पाएगी। प्लेन और सिंपल, बहुत दिखावा नहीं करना है, बहुत ही प्लेन और सिंपल तरीके से, और आपको लैंग्वेज और अलग 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 टाइप के लैंग्वेज और सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप के, तो मतलब मैं आपको उस पर स्ट्रेस दे रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। आगे हम स्ट्रेस और इंटोनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या एक्विजिशंस हैं जो हमारे प्रोनाउंसिएशन को बेटर करती हैं, एनहांस करती हैं, और टिप्स क्या है गुड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के। सो वॉट इज़ गुड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, आप यहाँ देख सकते हैं, अ लॉफ्टी गोल। और अगर हम नेटिव स्पीकर्स मतलब कि इंग्लिश जो लोग हैं, या ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश लोग हैं, उनसे हम सीख सकते हैं कि वो अ लॉफ्टी गोल, तो लॉफ्टी पे कैसे स्ट्रेस देकर बोलते हैं, मॉडेस्ट रियलिस्टिक गोल, ताकि आपके सामने जो आपका लिसनर है आपकी बात को अच्छे से समझ सके। आपको इसके लिए प्रॉपर इंटोनेशन और स्ट्रेस यूज़ करना चाहिए कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं, किस बात को सामने वाले को दिखाना चाहते हैं, उस चीज़ पे आपका इंटोनेशन हाई हो जाना चाहिए, मतलब वहाँ पर आपकी टोन जो है वो थोड़ा हाई हो जाना चाहिए। जहाँ पे नहीं देना चाहते हैं वहाँ आपकी आवाज़ थोड़ी सी साउंड जो है वो धीमी पड़ जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड इंटोनेशन। वाई इज़ गुड प्रोनाउंसिएशन सो इम्पॉर्टेंट, अब ज़रूरत क्या है गुड प्रोनाउंसिएशन की, दैट इज़ ये आपका मेन मोस्ट सेंसिबल गोल है। अगर आप कुछ भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे पहले आपका गोल यही रहता है कि आप जो बात बताना चाहते हैं सामने वाला समझ सके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल ही हमारा ये रहता है। नेक्स्ट इज़ ताकि इंटेलिजिबिलिटी इज़ बींग अंडरस्टूड बाय अ लिसनर इन अ गिवन सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन हो आप ताकि अपनी बात सामने वाले को ठीक से समझा सकें और उसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। पुअर या अनइंटेलिजिबल स्पीच जो है, आप बार बार करते रहेंगे प्रैक्टिस तब भी नहीं सीख पाए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, आपके लिए भी बहुत अनप्लेजेंट रहेगा और सामने लिसनर के लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला ये प्रॉब्लम रहेगा, अनप्लेजेंट रहेगा। तो इसके लिए आपको एक्सटेंडेड यूज़ करना चाहिए लैंग्वेज और सेंटेंसेस का। आप एक ही सिंगल वर्ड को या फ्रेजेस को बार बार रिपीट ना करें, इनफैक्ट अलग अलग टाइप की चीज़ों से एक्सपोजर लें, ताकि आपको हर एक वर्ड को मतलब सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए और कोई भी अनइंटेलिजिबल स्पीच आप ना दें, और अपने लिए भी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट ना करें और लिसनर के लिए भी नहीं। ये आप अपनी फ्लुएंसी और किस किस चीज़ों से कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, मीटिंग, स्पीचेस, ग्रुप डिस्कशंस, ये सब आपकी हेल्प करेंगे गुड प्रोनाउंसिएशन में। आप क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लिसनर के लिए गुड प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ज़रूरी रहेंगी, अगर आप अपना रीजनेबल प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं तो वो कैसे इम्प्रूव होगा, कैसे एनहांस होगा। सबसे पहले तो लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लर्नर की नेटिव लैंग्वेज आपको पता चलनी चाहिए। कि मान लीजिए अगर आपका नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो आपको उसमें से निकलकर आप इंग्लिश में जाइए, मतलब इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स की को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होइए उनसे, और देखिए वो किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनकी एज
अब मान लीजिए एक बच्चा है उसको अलग तरीके से सिखाया जा सकेगा, और एक जो थोड़ा मेच्योर हो गया है वो बहुत मैटर करती है। लर्नर का एक्सपोजर, आप कितने एक्सपोज होते हैं ये भी एक बहुत मैटर करता है। और आप फोनेटिक्स के बारे में कितना जानते हैं, यानी कि साउंड्स कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ वाल्स और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो हमें फोनेटिक एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। जैसे हम बचपन में सीखते हैं अलग अलग साउंड्स ए बी, तो वो साउंड हमें अंदर से प्रोड्यूस कैसे करनी है और अपने माउथ को किस तरीके से शेप में रखना है ताकि वो साउंड सही तरीके से प्रोड्यूस हो सके। तो ये सब चीज़ें हमारी लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना पहले। और एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, तो ऑब्वियसली हम कोई भी चीज़ नई सीखने लगे तो उसके लिए हमें मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी स्पीच हैबिट, मतलब हम कैसे बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं या अपना लेवल मेंटेन रखते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन सब चीज़ों को अगर हम दिमाग में रखें और इन सब चीज़ों पर वर्क करें धीरे धीरे ही सही, क्योंकि आप एक बारी में कभी भी, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहेगा और इसको आप कंसिस्टेंट एफर्ट से ही आप ये सीख पाएंगे और प्रैक्टिस करने से ही सीख पाएंगे, एक बार में आप ये कभी भी नहीं सीख पाएंगे। वॉट आर द प्रियोरिटीज फॉर लर्नर्स? प्रियोरिटीज मतलब सबसे पहले उनको क्या देखना चाहिए, प्रियोरिटी एस्पेक्ट फॉर लर्नर्स। सबसे पहले हमें सीखना चाहिए वीक फॉर्म्स के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, रिदम और इंटोनेशंस के बारे में। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल्ड पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर आप लर्नर हैं तो सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है। इन सब चीज़ों को अगर आप समझ गए और इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करना है ये समझ लेते हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप बेटर हो पाएंगे काफ़ी। वर्ड स्ट्रेस मतलब कि अगर आप जैसे बोल रहे हैं कमिंग, तो कमिंग में हम कम को ज़्यादा लंबा बोलते हैं, आप देखिए स्ट्रेस कहाँ पे हो रहा है। और इंग को हम जल्दी से बोल के ख़त्म कर देते हैं, कमिंग, इंग मैं जल्दी ले गई और कम को मैंने थोड़ा सा लंबा टाइम दिया। रिपोर्ट, तो री मैंने जल्दी से बोला और पोर्ट में थोड़ा लंबा टाइम दिया, ये नहीं कि बहुत ही लंबा खींचना है, बट आप नोट करिए। रिमेंबर, तो री मैं बहुत जल्दी से फिनिश करा और मेंबर आगे काफ़ी थोड़ा सा लंबा लिया। लेटर, माई सेल्फ, एक्सप्लोजन, आप देखिए एक्स मैंने जल्दी लिया, प्लोजन थोड़ा लंबा रखा। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी लंबा रखा, फुल थोड़ा छोटा रह दिया। मॉडर्नाइजेशन, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका वर्ड स्ट्रेस है, क्योंकि अब वर्ड स्ट्रेस अगर आप जानते होंगे तो आप अपने वर्ड्स को सही तरीके से इजीली प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे और सामने वाले को इजीली वो समझ भी आ पाएगा। कमिंग, अगर मैं कम इंग बहुत लंबा ले लूँ तो वो आपको समझ नहीं आ पाएगा, आपको सही जगह पे वर्ड स्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कमिंग, नाउ सेंटेंस स्ट्रेस, सेंटेंस में भी स्ट्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इन अ नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस, सर्टेन वर्ड्स आर स्ट्रेस और कुछ वर्ड्स होते हैं जो अनस्ट्रेस होते हैं। कुछ जो स्ट्रेस वर्ड्स होते हैं, मतलब जिनमें हम ज़्यादा टाइम देकर बोलते हैं और ज़्यादा सामने वाले को, लिसनर को, हम ये चाहते हैं कि वो उस पर ध्यान दें, वो होते हैं कंटेंट वर्ड्स। और जो बाकी वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर्म वर्ड्स जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि जिन्हें हम स्ट्रक्चर वर्ड्स भी बोल सकते हैं, उनको हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब जैसे हम एग्जांपल्स दे सकते हैं यहाँ पे कुछ, जेनेट हैज़ गॉन टू द बेकर्स। अब हैज़, टू और द, वो सिर्फ स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, क्योंकि वो उनसे सिर्फ हम फॉर्म डेवलप कर रहे हैं, फॉर्म वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, वो सिर्फ फॉर्म बनाने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें उनकी ज़रूरत है। और कंटेंट वर्ड क्या है, मतलब जेनेट, गॉन और बेकर्स, ये हमारे कंटेंट वर्ड्स हैं। कंटेंट वर्ड्स में मोस्टली हम नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और ये सब चीज़ें लेते हैं, क्योंकि हम ये मेन पार्ट होते हैं सेंटेंस का, जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस टिका होता है, कंटेंट होता है ये सेंटेंस का। बाकी जो हैज़, ऑक्सिलरी वर्ब्स या आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें या प्रेपोजिशंस, ये सब चीज़ें सिर्फ हम एज अ स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, तभी हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है कंटेंट वर्ड्स पे और उनको ही स्ट्रेस करना होता है सेंटेंस में। आई सॉ योर ब्रदर यस्टरडे, तो ब्रदर आप ज़्यादा स्ट्रेस देकर बोलेंगे, आई और सॉ। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ बियर, तो ग्लास और बियर के लिए, आई मस्ट बी गोइंग, माई वाइफ वेटिंग फॉर मी एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट पे मैंने ध्यान ज़्यादा स्ट्रेस दिया, ये नहीं कि बहुत लंबा लेना है, बट बाकी जो वर्ड्स रहते हैं, जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, हम उनको फटाफट फिनिश करने की कोशिश करते हैं और मेन वर्ड्स को थोड़ा लंबा लेकर बोलते हैं ताकि सामने वाले को वर्ड सही से समझ आ सके। आप ये इनकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
रिदम क्या होता है? स्ट्रेस गिवन अ नेचुरल रिदम टू स्पोकन इंग्लिश. तो जो हम स्ट्रेस दे रहे हैं फिर रुक रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं फिर अनस्ट्रेस बोल रहे हैं, तो ये एक रिदम जिसे हम लय बोलते हैं. आप सुन सकते होंगे कई पोएम्स में भी हम लय यूज करते हैं, कई सॉन्ग्स में भी यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिदम. रिदम ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज डिटर्मिन्ड बाय द अकरेंस ऑफ स्ट्रेस बाई सिलेबल्स. स्ट्रेस कुछ हमारे एक सेंटेंस में कुछ कुछ देर बाद स्ट्रेस सिलेबल्स रिपीट होते हैं. जैसे अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था जिसमें स्ट्रेस सिलेबल आता है, उसके थोड़ी देर बाद फिर कुछ अनस्ट्रेस सिलेबल्स आएंगे, फिर दोबारा स्ट्रेस सिलेबल्स रिपीट होगा. तो स्ट्रेस सिलेबल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े इक्वल इंटरवल्स में ज़रूर रिपीट होते हैं और ये रिदम बनी रहती है, स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस. तो ये लय बन जाती है जिसे हम इंग्लिश में रिदम का नाम देते हैं. अदर सिलेबल्स इन अ सेंटेंस आर रिड्यूस्ड और ब्लेंडेड टू अकोमोडेट द रेगुलर बीट ऑफ द स्ट्रेस सिलेबल्स. तो हम जो बाकी के वर्ड्स होते हैं जिनके हम स्ट्रेस स्ट्रक्चर वर्ड्स या फॉर्म वर्ड्स कह रहे थे, उनको हम फटाफट ब्लेंड कर देते हैं जो स्ट्रेस वर्ड्स हैं उनके साथ. स्ट्रेस सिलेबल्स को हम ज़्यादा जोर देकर पढ़ते हैं और बाकी जो अनस्ट्रेस्ड हैं प्रेपोजिशंस या आर्टिकल्स, इनको हम उनके साथ ब्लेंड कर देते हैं ताकि इन पर हम ज़्यादा ध्यान ना दें और इनको जल्दी से फिनिश कर सकें. As a general rule, English tries to avoid having stresses too close together. हम बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत सारे stress syllables एक साथ आ जाएं sentence पे और बहुत सारे unstress एक बार आ जाएं. क्यों? Most probably alternate में ही ये चलते हैं कि stress फिर unstress, इस way में वो regular intervals में English में reoccur होते रहते हैं. इस तरीके की English language में हम stresses use करते हैं. स्ट्रेस पैटर्न्स, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं. सिंग अ सॉन्ग, जहाँ पे आप बॉक्स बड़ा देख सकते हैं वो आपका स्ट्रेस सिलेबल है, जहाँ छोटा देख सकते हैं वो अनस्ट्रेस सिलेबल है. और वहाँ पर जहाँ पे आप बड़ा देख रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेस देकर बोलना ज़रूरी है, और जहाँ छोटा देख रहे हैं वहाँ आप ब्लेंड करके उसके साथ मतलब जल्दी से आप उसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं सिंग अ सॉन्ग, आई वुड लव टू. ओके, नेक्स्ट इज I have heard of it. तो मतलब आप heard को ज़्यादा stress देंगे. Next is I want to know. अब आप दोबारा अभी से पढ़ सकते हैं. I want to know. तो to मैंने जल्दी से बोला, want और know आपने बार थोड़ा उसे stress देकर बोलना है. She asked me to go. Next is I think It will be fine. तो आप इस तरीके से स्ट्रेस पैटर्न्स को रिपीट कर सकते हैं. एक बार ही आप दोबारा एग्जाम्पल्स को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं. सिंग अ सॉन्ग, आई वुड लव टू, आई हैव हर्ड ऑफ इट, आई वॉन्ट टू नो, शी आस्क्ड मी टू गो, आई थिंक इट विल बी फाइन. Now I think it is more clearer to you कि आपको कहाँ कहाँ पे स्ट्रेस देना होता है, उसको थोड़ा लॉन्ग वे में लेना होता है ताकि सामने वाले को वो वर्ड अच्छे से समझ आ सके. बाकी वर्ड्स जो हैं अ हो गया फर्स्ट सेंटेंस में या टू हो गया, इनका कोई मीनिंग नहीं है, तभी हम इन्हें फटाफट बोलने की कोशिश करते हैं और ब्लेंड कर देते हैं स्ट्रेस सिलेबल्स के साथ. स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज, इसे भी आप एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर सकते हैं. गो होम, गोइंग होम, गोइंग बैक होम, going straight back home. These are examples of weak forms. कुछ weak form के examples आप दे सकते हैं. A cup of tea. तो cup और tea पे आप ज़्यादा stress देंगे. A glass of water. A block of flats. The book that I want. Bread and butter. So these are the examples. आपको ये practice ज़रूर करने चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि जो वीक फॉर्म्स हैं वो अनस्ट्रेस सिलेबल्स हैं. वीक फॉर्म्स और फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड आर यूज ओनली इन अनस्ट्रेस पोजीशंस. तो जो अनस्ट्रेस पोजीशंस होती हैं वो हम उन्हें वीक फॉर्म से में यूज करते हैं. वीक फॉर्म्स ऑफ द वर्ड आर ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट अकरेंस देन देयर स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स. तो जो वीक फॉर्म्स होते हैं वो काफ़ी बार आते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स एज कम्पेयर्ड लेस आते हैं. एवरेज लर्नर यूजेस फॉर
too many strong forms, it is impossible to speak English fluently unless the phenomena of weak forms is properly understood and their use acquired preferably from the earliest stage. So, अगर हम देखें, average learners जो है, वो काफी सारी strong forms use करता है, और लेकिन ये हमारे लिए इस तरीके से English बोलना बहुत problem हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि weak forms जो है, वो हमेशा हम blend करके बोलते हैं, और जो strong forms है, वो हम कभी blend नहीं करते उसको, और क्लियर वे में हमें उन्हें बोलना बहुत जरूरी है. व्हाट आर द टिप्स ऑफ गुड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन? इंटोनेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटोनेशन. अब हम स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पढ़ने के बाद और रिदम पढ़ने के बाद आते हैं इंटोनेशन पे. इंटोनेशन मींस आपको टोन कैसा कैरी करना है. कभी कभी आपने ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पढ़ लिया, लेकिन कभी कभी आपने नोट किया होगा कि कुछ वर्ड जिन पे हमें स्ट्रेस देना होता है, वहाँ पे हम अपना टोन थोड़ा हाई कर लेते हैं, वो उसे हम बोलते हैं इंटोनेशन. और कभी कभी हम बहुत जल्दी से उसे स्लो पिच पे, लो टोन पे बोल के फिनिश कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटोनेशन. इसका क्या फंक्शन है? ताकि इट इंडिकेट्स ग्रामेटिकल मीनिंग. इससे क्या होता है कि हमारी पंक्चुएशन जो काम करती है रिटन लैंग्वेज में, वो हमारी ओरल लैंग्वेज में जब हम ओरली बात कर रहे हैं तो इंटोनेशन वही काम करेगी. मतलब कहाँ आपको रुकना है, हल्का सा पॉज देना है, कहाँ आपको फुल स्टॉप के जैसे यूज़ करते हैं तो हम हल्का सा रुकना, वहाँ पे आपको पॉज देना है, तो ये सब चीज़ें एज अ ग्रामेटिकल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं इंटोनेशन. इट कैन ऑल्सो इंडिकेट द स्पीकर्स एटीट्यूड. और ये भी पता चलता है कि आपका एटीट्यूड क्या है. जैसे अभी आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर आप इसमें आप कहाँ पर स्ट्रेस देना चाहते हैं, मान लीजिए लंडन पर देना चाहते हैं, तो ही लिव्स इन लंडन. मैं लंदन को थोड़ा टोन हाई करके बोलूंगी ताकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं उसमें स्ट्रेस दे रही हूँ. और अगर मैं बोलूँ, बताना चाहूँ कि वो ही लिव्स इन लंदन, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि वो रहता है लंदन पे, तो मैं ही पे ज़्यादा स्ट्रेस दूंगी और ही को ज़्यादा हाई टोन पे बोलूँगी एज कम्पेयर टू लंदन से. बाकी वर्ड्स पे नहीं मैं इतना हाई टोन रखूँगी जितना कि ही पे. तो इससे ये पता चलता है कि उसका एटीट्यूड क्या है, वो रियली क्या बताना चाहता है, वो नेम बताना चाहता है या ये बताना चाहता है कि वो रहता कहाँ है. चार बेसिक ट्यून मूवमेंट्स रहती हैं. फॉल यानी कि आप नीचे के टोन में बोल रहे हैं, राइज मींस थोड़ा हाई टोन पे, हाई लेवल पे. जैसे मैंने अभी बताया ही लिव्स इन लंदन, तो दिस इज फॉल टू राइज, क्योंकि पहले आप नीचे टोन में बोल रहे थे और आप फिर उसको राइज कर रहे हैं. और अगर मैं बोलूँ ही लिव्स इन लंदन, तो पहले मैंने उसको राइज रखा और फिर नीचे ले लिया, दैट मीन्स राइज टू फॉल. अब जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर मैं इसको नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट में बोलती हूँ तो हिज नेम इज़ पीटर, मतलब मैं उसको एक फॉल टोन में बोल रही हूँ, मैंने कहीं भी उसको राइज नहीं किया. अगर मैं पोलाइट क्वेश्चन में, मतलब आप राइज, हिज नेम इज़ पीटर, तो दिस इज पोलाइट में, लेकिन राइजिंग टोन में मैं बोल रही हूँ. नेक्स्ट इज फॉल टू राइज. अब मैं इसमें ऐसा लगेगा, मैं अगर मैं फॉल टू राइज में यूज़ करूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं बिलीव नहीं कर रही, आई डोंट बिलीव यू. देखिए हिज नेम इज पीटर. नेक्स्ट अब मैं राइज से फॉल पे लेकर आती हूँ, हिज नेम इज पीटर, ताकि मैं इसमें कन्वे कर रही हूँ कुछ सर्टेनिटी. तो ये फॉल टू राइज और राइज टू फॉल की ट्यून मूवमेंट्स हम यूज़ करते हैं. आप ये खुद बोलने पर महसूस कर पाएंगे कि आप कभी कभी कितना तेज ले जाते हैं अपना ट्यून मूवमेंट और कितना कभी नीचे लेकर आते हैं. जिस चीज़ पे आप स्ट्रेस देना चाहते हैं आप हमेशा उसे राइज करके बोलेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला उस चीज़ को नोटिफाई करे, इसीलिए हम उस पर राइज कर देते हैं. और जहां हम चाहते हैं कि वो जल्दी से इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता और नहीं चाहते कि सामने वाला लिसनर नोटिफाई करे, तो हम उसे फॉलोइंग टोन पे बोलते हैं. स्पीच फ्लो. अगर आपको एक प्रॉपर स्पीच फ्लो यूज़ करना है तो उसके लिए आप स्ट्रेस, रिदम और इंटोनेशन को जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर एक पूरा स्पीच फ्लो के लिए आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में, जैसा मैं हमने पहले डिस्कस किया था कि सारे एस्पेक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे रिदम हो, चाहे इंटोनेशन हो, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है. इनके सारे यूजेस जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन सब का सही एलिमेंट्स को यूज़ करने के बाद अपने स्पीच फ्लो को मेंटेन रख सकें. Broadly speaking, a reasonable correct speech flow is more important for intelligibility than correct sound. Sound से भी ज़्यादा ज़रूरत है आपको इन स्पीच फ्लो को यूज़ करने की, क्योंकि तभी आपकी intelligibility means सामने वाले लिसनर को आपकी बात समझ आनी चाहिए, मोर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. वो साउंड से भी, जो भी मैंने वाल्स और कॉन्सनेंट्स के साउंड्स के बारे में आपको बताया, उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें उनकी, ताकि सामने वाला आपकी बात ये समझ सके कि आप किस बात पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और कहाँ पे पॉज दे रहे हैं. इन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से आप सामने वाले को समझा सकते हैं.
अब ये एक पोएम है जिसे आपको एज एन एग्जाम्पल रीड करना चाहिए. स्प्रिंग इज ग्रीन, समर इज ब्राइट, ऑटम इज गोल्डन, विंटर इज वाइट, ईयर इन ईयर आउट वी वर्क एंड फाइट फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑफ रेड सनलाइट. अब आप समझे होंगे कि किस तरीके से मैंने राइज इन टोन, इंटोनेशंस, स्ट्रेस का यूज़ किया, कहाँ पे मैं ज़्यादा दिखाना चाहती थी वहाँ मैंने स्ट्रेस दिया और कहाँ मैंने हाई और लो टोन यूज़ किया. इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ये भी एक एग्जाम्पल है जो आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ माय लास्ट बट बेस्ट टिप, इसमें एक और मैं आपको देना चाहूँगी लास्ट बट बेस्ट टिप, दैट्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. तो आप डिफरेंट एक चीज़ पे कभी भी प्रैक्टिस ना करिए, अलग अलग चीज़ों से एक्सपोजर लीजिए, वर्ड्स का, फ्रेजेस का, जैसे मैंने आपको बताया, ताकि और इनकी हेल्प आप कैसे ले सकते हैं टीवी के थ्रू या ब्रॉडकास्ट रेडियोज़ के थ्रू, इन सब से आपको ये पता चलेगा. नेटिव स्पीकर से अगर आप जितना ज़्यादा एक्सपोजर होंगे एक्सपोज होंगे वहाँ से आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि कहाँ पे हमें सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन के एस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए. ये कुछ और प्रैक्टिस के लिए आपके पास है. रेन पोएम है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ. द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स इन फील्ड एंड ट्री, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हेयर एंड ऑन द शिप्स एट सी. So this is for your practice. You can practice these things. Now do it yourself questions. Explain four basic tune movements. What impede or enhance the acquisition of a reasonable pronunciation? Thank you. Thanks a lot.